नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। आप सभी का पल पल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हम इसी तरह के वीडियोस और खबरें आप तक लेकर के आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा प्रोग्राम कोई इस पिंड के दुष्टान का नहीं सीगा। मैं तो चंडीगढ़ तो चलिया से और सिर से एक कोई छोटा प्रोग्राम जरा पर्सनल प्रोग्राम है वो जाने वास्ते मैं आया से। लेकिन मन के लिए आया कि इस बार बजाय उड़न खटोले गए इस बार सड़क रा के चली है और सड़क रा चलने वास्ते वैसे के घंटे लगते हैं पांच चंडीगढ़ तो सिर का जो कर रहे होने लेकिन मैं कल सवेरे 8 बजे चलिया सी और अज हूं 8 बजे पहुंचूंगा। 36 घंटे जो मैं उस चोर को किया 36 घंटे करने का मकसद इको सीगा कि रस्ते जिथे जिथे अपने कार्यकर्ता मिलेंगे और कुछ नहीं करा वाला बैठ के चाह पिला के जाके खिलाओगे ना चाह पिला इस करके सब कार्यकर्ता मिलते जुलते कि 50 मिले कि 100 मिले कि 250 मिले कि 500 मिले 2000 कार्यकर्ता भी एक जगह पर मिले और सब नाल अपना विचार वटांदरा कर रहे हैं। एक गल जी चंगी हो गई वो परसों के दिन जरा कैबिनेट का फैसला होया। आप सबन पता होना कि केंद्र सरकार ने अपने प्रधानमंत्री जी ने एक वायदा किया किसानों किया कि असी जी किसान की लागत है उस लागत से 50% का मुनाफा दे के और किसान को असी भी कीमत देंगे और परसों कैबिनेट में यह फैसला हो गया। फैसला होने तो बाद किसान छाला मार रहा मेरे कोठी के किसान उस किन्ना वाला जंप जरा मारिया है कदे किसी साल अज तक नहीं लग्या। 14 फसलों का भाव मुकर किया गया जड़िया करीब दिया फसल ने जीरी है अपना बाजरा है मक्का है दाला ने कपाह है इस तरह 14 फसलों का घट तो घट 50% फायदा और वो तो वो 96% का फायदा बाजरे से यह हो रहा 96% दाला 12% 60% चलो ठीक है। तो मेरा कहना मतलब यह है कि असि किसानों वास्ते किन्ने काम किए हैं और साडा मनना है कि किसान खुशहाल है तो प्रदेश खुशहाल है, प्रदेश खुशहाल है तो देश खुशहाल है, देश की प्रदेश की खुशहाली बढ़ेगी, किसान की खुशहाली बढ़ेगी तो मजदूर की खुशहाली बढ़ेगी, व्यापारी की दुकानदार की खुशहाली बढ़ेगी, इंडस्ट्री वाले की उनकी भी चीजा ज्यादा बिकन गया। किसान की खुशहाली के ऊपर साडा सारा जरा चक्कर है वो चक्कर उससे निर्भर है। इस जरा कल जी परसों घोषणा हुई है इस साढ़े हरियाणा प्रदेश किसानों 1500 करोड़ रुपया साल का ही ज्यादा मिलेगा 1500 करोड़ रुपया और सरकारी आतंक जरा पिछलिया सरकार के वेले देखा है कि सरकार का आदमी जरा जुड़िया हों और अपना एक आतंक होता वो पता नहीं कि शायद करके कुटवा दे कंधे पिछे मार के इस तरह जरा भय सीगा और इतने जी इस मोहल्ले की जी पार्टी है वो मोहल्ले की पार्टी के बारे कहते हैं नाले कुटांगे नाले लुटांगे ये थोड़े मोहल्ले की पार्टी का हाल से अभी क्या नहीं समाज की सुरक्षा करना साड़ा काम है ना कोई लुटिया जाएगा ना कोई कुटिया जाएगा समाज की सुरक्षा करना ही साड़ा काम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह काम कर रही है तुम अपने आप पूरा विश्लेषण कर रहे हो फिर भी साढ़े 3 साल जो अभी काम किए हैं वो जनता वास्ते असं दसन
ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਓ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ।